नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ सिद्धार्थ लाइव परिवार में आप लोगों का एक और बार। हेलो दोस्तों, हमारे साथ है हमारे बड़े भैया नरसिंह चरण प्रधान भैया, जो कर रहे हैं अपना PhD फ्रॉम NIT त्रिची। आज एक और वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं। हमने इस सीरीज में दो वीडियो ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, जैसे क्या PhD क्या होता है, टाइप्स ऑफ PhD क्या होते हैं, सेकंड एडमिशन प्रोसेसेस क्या होते हैं अलग अलग IITs के, NITs के और प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स के। आज का जो थर्ड वीडियो है कि हाउ टू क्रैक द PhD इंटरव्यू, क्योंकि ऑलरेडी भैया ने बहुत सारे IITs के PhD रिटर्न एंड इंटरव्यू क्लियर किए हुए हैं, इवन NITs में भी क्लियर किए हुए हैं। तो भैया से ही जानेंगे कि एडमिट इंटरव्यूज कैसे होते हैं, पैनल क्या होती है, इंटरव्यूज में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किन चीजों का इंपॉर्टेंस होता है, तो हर एक छोटी छोटी चीज के बारे में जानेंगे। Hey friends, Unacademy लेकर आया आप लोगों के लिए Unlock 20। Unlock 20 का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे कि आप लोग को कोई भी कोड यूज करने पे आपको 10% का ऑफ मिलता था Unacademy के सारे कोर्सेज पर अब क्या होगा, 1st February और 2nd February के बीच में अगर आप ये कोर्स लेते हैं तो आपको 10-20% का ऑफ मिलेगा, मतलब आप अपने डबल पैसे बचा सकते हैं। इसके साथ साथ Unacademy लेकर आए हैं यहाँ पर स्पार्क बैच गेट 2023 के लिए, इंग्लिश का बैच है CSIT के लिए, यहाँ पर ये सारी फैकल्टीज पढ़ाने वाले, जैसे TOC स्टार्ट करेंगे सुबह रेड्डी सर। यहाँ पर एक और बैच हो रहा है एसेंट बैच स्टार्ट यहाँ पर गेट 2024 के लिए 2 फरवरी से। तो जो लोग अपनी प्रिपरेशन बूस्ट करना चाहते हैं सिविल ब्रांच के लिए, तो यहाँ पर टॉप फैकल्टीज पढ़ाने वाले हैं, जहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट होने वाला है मैं उमा महेश्वरा राव सर 8-15 से यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। यहाँ पर एक फाउंडेशन बैच भी है गेट 2024 के लिए मैकेनिकल का बैच भी, यहाँ पर सौरभ ठाकुर सर यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड के साथ स्टार्ट करेंगे और इंडिया की टॉप फैकल्टी पढ़ाने वाली है। इसके साथ साथ यहाँ पर केमिकल का भी एक फाउंडेशन बैच है जो 2 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें भी एप्टीट्यूड सौरभ ठाकुर सर पढ़ाएंगे। इसके साथ साथ एक एसेंट बैच है इलेक्ट्रिकल के लिए 2 फरवरी से, जहाँ पे सिद्धार्थ सवरवाल सर 5:30 बजे से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट को ले, और यहाँ पर एक लास्ट इवॉल्व बैच है ECE बैच D 5:30 बजे से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिद्धार्थ सवरवाल सर 2 फरवरी से पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोगों को बस क्या करना है, मेरा जो कोड है उसको यूज करिए, इन सारे बैचेस के साथ भी अगर आप मेरे कोड को अभी यूज करेंगे तो आपको 10-20% का ऑफ मिलेगा, और ऐसा ऑफर जल्दी मिलते नहीं है। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाइए जल्दी से कोर्सेज को एनरोल करिए और अपनी पढ़ाई को बूस्ट करिए। सबसे पहले भैया मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इंटरव्यू में जब आप सिलेक्ट होते हो तो पैनल में जनरली क्या आपने देखा है, अलग अलग IITs में आप गए हो तो पैनल कितनी बड़ी होती है, कितने पैनल में टीचर्स होते हैं? तो जनरली आप इंटरव्यू सिलेक्शन होने के बाद तो जनरली वहाँ 3-4 मेंबर रहते हैं, ठीक है। तो 3-4 में जो रहते हैं बेसिकली आप एरिया, जैसे आप मान के चलो कोई IIT में आप इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है, आपका फील्ड जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स ले गया हूँ जी, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में 4-5 अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं, तो मेरे स्पेशलिस्ट हिसाब से तो 4 पैनलिस्ट रहेंगे। ओके, सेम एरिया में जो फैकल्टी काम कर रहे हैं। ओके, तो उन लोगों के लिए भी आसान होगा मुझे चुनने के लिए, और मेरे लिए भी आसान होगा कि मैं फेस करने के लिए बोलूँ। हाँ, तो बेसिकली जो फील्ड में आप काम करते हो, जो फील्ड में आपने जो रिसर्च एरिया आपने दिए हो, वही सेम फील्ड का ही 3-4 प्रोफेसर रहते हो। पहले कभी कुछ ऐसा हुआ है कि जहाँ पर आपको और IIT से कंपेरिजन में NIT से कंपेरिजन अलग पैनल मिली हो, कुछ ज़्यादा बड़ी पैनल मिली हो और काफ़ी कम लोग मिले हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जैसे NIT त्रिची में ही मैं देखा हूँ, मतलब IIT में मोस्टली 3-4 मेंबर रहते हैं, इन्हें टीचर में जब इंटरव्यू दिया, मेरा टाइम है अभी चेंज हो गया 2018 में, तो पूरा ऑलमोस्ट मोर देन 15 मेंबर थे टोटल, एक राउंड पैनल था, पूरे मोर देन 15 मेंबर थे पूरे आपके डिपार्टमेंट के सारे टीचर। बट एक चीज़ है कि जो इवन 15 मेंबर थे, बट फिर भी जो 3-4 आपका जो सेलेक्शन में जो फैकल्टी है, कॉन्सर्न फैकल्टी, ओके, उन्हीं लोग ही आपसे क्वेश्चन पूछ रहे थे। इसमें भैया सेकेंड क्वेश्चन आता है कि जो PhD के इंटरव्यू होते हैं उसमें क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं? देखो, ये दो तरीके होते हैं। जैसे आपने PG में पोस्ट ग्रेजुएट टाइम में, तो आपने कुछ पेपर पब्लिश किए हैं, ओके, मान के चलो कॉन्फ्रेंस हो या जनरल कुछ पेपर पब्लिश किए, तो जब इंटरव्यू के लिए आप जाएंगे तो बेसिकली दे विल लुक ऑन द क्या काम किया आपने, क्या काम PG टाइम, ओके, ठीक है। तो नहीं तो मान लो आप कुछ किए नहीं काम, मतलब कुछ पेपर पब्लिश नहीं किए, तो कुछ आप रिसर्च एरिया दिए होंगे, बिल्कुल, ये आपका थीसिस है, ठीक है, दोनों कंबाइन करेंगे, रिसर्च एरिया एंड आपका थीसिस, ओके, आपने क्या काम किए एमटेक लेवल या MEA में, उसी थोड़ा रिलेटेड सवाल पूछेंगे, और थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज, जैसे आपका जो गेट का सिलेबस बेसिक नॉलेज, गेट के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ पूछेंगे, और आपका MTech, अच्छा भैया BTech प्रोजेक्ट भी क्या इंपॉर्टेंस रखता है यहाँ पर? नहीं, मोस्टली से नो, बट MTech प्रोजेक्ट आपका हो अच्छा होना चाहिए, और रिसर्च पेपर अगर हमारे पास होता है तो उसका हमें कितना एडवांटेज? नहीं, बहुत एडवांटेज, जैसे मान लो MTech टाइम में या कोई MEA टाइम में आपने कुछ
एक जनरल कर लिया ठीक है, कॉन्फ्रेंस तो ऑलमोस्ट करती हैं सब, मतलब सारे फिल्म इंस्टीट्यूट के बच्चे करते हैं, आपने एक जनरल कर लिया तो आई कैन से दिस इज 90% चांस यू विल गेट एनी प्रीमियर इंस्टीट्यूट आईआईटी या मतलब ओल्ड आईआईटी, बिकॉज उन लोगों का माइंड में ही चलता रहता है ओके बंदा ने काम किया एमटेक में कुछ जर्नल पब्लिश किया तो एक पॉजिटिव रहता है। अच्छा, और हमारे क्या हम जब पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं तो हमने जहाँ से एमटेक किया है क्या उस कॉलेज की भी कुछ डिजर्व करता है, जैसे आपने आईआईटी से मान लीजिए बॉम्बे से किया है और आप आईएससी में अप्लाई कर रहे हैं या फिर आपने एनआईटी से किया है या फिर आपने किसी स्टेट गवर्नमेंट से एमटेक किया है तो क्या उसका भी इफेक्ट पड़ता है? हाँ मैटर करता है, मैटर जैसे मान लो आपने एनआईटी से एमटेक किए हुए हैं अभी आईआईटी में जाओगे पीएचडी करने के लिए आपके साथ मान लो कोई स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोई स्टूडेंट आया है तो ऑब्वियसली दे विल प्रेफर यू बिकॉज योर कॉलेज रैंकिंग इज मोर देन दैट। हाँ मतलब एनआईटी रैंकिंग भी मैटर करती है। तो इसके बाद भैया एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जब हमसे वो फॉर्म्स में एसओपी भरवाते हैं या रिसर्च एरिया भरवाते हैं तो एसओपी से वो किस रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं? जैसे देखो रिसर्च एरिया जो आप खुद ही भरते हो उसमें तुम खुद ही लिखे हो तुमने क्या काम करना चाहते हो पीएचडी में, ठीक है, मतलब वो एरिया के ऊपर तुम्हारे थोड़ा बहुत नॉलेज है उस एरिया के ऊपर, ठीक है, बस इंटरव्यू पैनल में वो बस टेस्ट करेंगे आप कितना वो कम्फर्ट हो वो एरिया में, बस वो टेस्ट करेंगे आपको थोड़ा, मतलब देखो एक रिसर्च एरिया सारे चीज़ बता नहीं सकते लेकिन जितना भी आप बता रहे हो कॉन्फिडेंस के आप बताओ तो उनको समझ में आएगा ओके ही कैन प्रोसीड। तो जैसे कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा जनरल कॉन्फ्रेंसेस क्या होते हैं और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा एसओपी कैसे बनाना होता है पीएचडी के लिए, इसके ऊपर भी भैया से हम डिस्कस करेंगे पर अभी नहीं, आगे आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। इसमें एक भैया एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जैसे कि आपका कुछ एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा तो जब हम अप्लाई कर रहे हैं पीएचडी के लिए या आपने कुछ ऐसा सोच के रखा होगा अपने दिमाग में कि हमें ये एमटेक प्रोजेक्ट है यार इसी से रिलेटेड मुझे कुछ पीएचडी में मिल जाए तो मजा आ जाए, तो इसके लिए क्या आपको पहले जब आप आईआईटी में अप्लाई कर रहे हो तो उससे पहले क्या हमें टीचर्स की प्रोफाइल को प्रोफेसर की प्रोफाइल को एक बार विजिट कर लेना चाहिए? मैंने जहाँ जहाँ मैंने अप्लाई किया आईआईटी में तो मैंने पहले फैकल्टी प्रोफाइल लिया वो मेरे एरिया और फैकल्टी एरिया मैंने मैच करा, ठीक है दोनों मैच कर रहा है तो मैंने इंटरव्यू होने से पहले मैंने क्या किया एक मेल भेजा मेरे रिसर्च एरिया के साथ, सर मैं एरिया में काम किया हूँ टेक से और मुझे आपके अंडर में काम करना है तो आपका जो जर्नल पेपर है कॉन्फ्रेंस जो भी है मान लो फैकल्टी देखेगा अगर तो अच्छा लगेगा तब आपको इंटरव्यू में थोड़ा सा प्रायोरिटी मिलता है वो वाला तो पॉजिटिव रहता है तो ऑब्वियसली आई विल से दैट यू हैव टू गो टू द प्रोफाइल एंड चेक देयर ऑल डिटेल्स एंड रिसर्च ऑफ एरिया रिसर्च एंड एवरीथिंग देन दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। और इसमें एक लास्ट क्वेश्चन भैया मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हम लोग पीएचडी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो हम अपनी तरफ से पहले क्या क्या प्रिपेयर करके जाएं? पीएचडी इंटरव्यू है पीएचडी रिटन के लिए पीएचडी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। हाँ पीएचडी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ कि पहले आप जो भी एमटेक में काम किए थीसिस वर्क किए पेपर आपने पब्लिश किए हो ना कि दैट इज डिफरेंट थिंग बट जो भी आपने काम किए हो वो थॉरली पूरा आपको पूरा ज्ञान होनी चाहिए कि वो थीसिस को क्या ठीक है मतलब कैसी है और जो रिसर्च एरिया आपने जो लिखे हो कि मुझे ये एरिया पे काम करना है तो इसी के ऊपर भी आपको पूरा पूरा का पूरा नॉलेज होनी चाहिए भले कम भी हो लेकिन जितना भी आप लिखे हो ना पूरा कॉन्फिडेंस होनी चाहिए मतलब उसके ऊपर। तो जब आप इंटरव्यू पैनल में बैठेंगे ना तो ब्रीफली आप सारी चीज़ आप बता सकते हैं कि ये मैंने काम किया और ये आगे मैं इसे करना चाहता हूँ तो ये बता सकते हैं ओके। और मतलब गेट वेट का भी थोड़ा बेसिक पढ़ के वो तो रिटिंग के लिए काम आएगा गेट वाला इंटरव्यू के लिए बेसिकली तुम्हारा और एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो आपने एसओपी सबमिशन किया। अच्छा और भैया आपकी तरफ से कोई टिप्स जो क्रैक करने में आपको मतलब बच्चों को हेल्प करे पीएचडी इंटरव्यू के लिए? पीएचडी इंटरव्यू के लिए बस मैं ये कहूँगा कि आप एमटेक में हो तो एमटेक डिग्री को सीरियसली लो, आपको सीरियसली पीएचडी करना है या एमटेक हो या एमएस कर रहे हो जो भी कर रहे हो तो पीएचडी सीरियसली आपको करना है तो एटलीस्ट एक जर्नल या दो कॉन्फ्रेंस आप पब्लिश करो ड्यूरिंग योर एक जर्नल दो कॉन्फ्रेंस या तो दो कॉन्फ्रेंस। हाँ ओके तो आपको मास्टर के टाइम में आपने दो दो कॉन्फ्रेंस या एक जर्नल पब्लिश करो बिल्कुल करने के बाद तो जहाँ इंटरव्यू देने जाओगे कहीं आईआईटी या एनआईटी इंटरव्यू देने जाओगे तो देर इज 90% चांस यू विल गेट सिलेक्टेड। हाँ बहुत सारे लोगों को नहीं पता है यहाँ पर जनरल कॉन्फ्रेंस है लेकिन वो धीरे धीरे जब आप अपनी पीएचडी पूरी सीरीज को फॉलो करेंगे तो आपको एक एक चीज़ का जो क्लेरिफिकेशन है वो हम लोग देते रहेंगे। तो आशा करता हूँ बहुत सारे लोग के इसमें डाउट मतलब क्लियर हो गए होंगे कि क्रैक कैसे करना है पैनल क्या होता है एसओपी का इंपॉर्टेंस कितना होता है क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा वीडियो को शेयर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। रिगार्डिंग जो भी डाउट हैं तो भैया की प्रोफाइल है हमारे डिस्क्रिप्शन में भैया से आप विजिट कर सकते हो और भैया से पूछ सकते हो कि जब भी आपके इंटरव्यू आए जब भी कोई सजेशन चाहिए हो
सब कुछ भैया आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। भैया बहुत हेल्प करते हैं, इवन मेरी भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, और मैं तो भैया के सेम डिपार्टमेंट का नहीं हूँ, बट कहीं ना कहीं मुझे गाइडेंस अपना देते रहते हैं, और उनके अंदर जो एमटेक स्कॉलर्स कर रहे हैं काम, उनको भी गाइडेंस देते रहते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। तो आज का वीडियो इतना ही था, नमस्कार।